पवन सिंह ने दिया तेज पांडे का साथ। जी हाँ, सही सुना आपने। जैसा कि आप सभी जान ही चुके हैं कि इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है रितेश पांडे और खेसारी लाल यादव का एक दूसरे पर गाने चुराने का आरोप, और साथ ही वायरल हो रहा है इनकी रिकॉर्डिंग जिसमें रितेश पांडे खेसारी के ऊपर लगा रहे हैं आरोप, तो वहीं दूसरी ओर खेसारी लाल यादव रितेश पांडे पर। वैसे देखा जाए तो इन दिनों यूट्यूब के हर भोजपुरी चैनल पर एक ही वीडियो वायरल हो रहा है, और वो है कि किसने किया किसका गाना चोरी। जी हाँ, सच और झूठ को साबित करने के लिए कभी फीमेल सिंगर अंतरा के रिकॉर्डिंग रिलीज की जा रही है, तो कभी गाने के राइटर को, तो कभी मेल सिंगर, तो कभी डायरेक्टर की। मतलब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हर कोई इस सच को सामने लाने के लिए वीडियो कर रहे हैं वायरल। आप सभी इससे रिलेटेड बहुत से वीडियो देख ही चुके होंगे, लेकिन सच क्या है ये अभी तक किसी ने खुलासा नहीं किया है, और न ही इसकी कोई ऑफिशियल खबरें सामने आ रही है। वैसे तो इस गाने के लिए हर कोई अपनी अपनी बातें बना रहे हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस मैटर को लेकर भोजपुरी गायक के सिरमौर पवन सिंह ने क्या कहा, आखिर वो दे रहे हैं किसका साथ, किसके पक्ष में कर रहे हैं बात। जी हाँ, गोरी तर चुनरी 2 और लहंगा लखनउआ को लेकर पवन सिंह ने कहा है कि ऐसा इस इंडस्ट्री में कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी का गाना चोरी करना और फिर उसे गाना बहुत ही गलत बात है। सिंगर की पहचान तो उसके गाने से ही होती है, और अगर उनसे उनका गाना ही चुरा लिया जाए तो उनका सब कुछ छिन जाता है। हर कोई उनके गाने को देख कर ही उनके फैंस बन जाते हैं, इसलिए किसी के गाने को चोरी करके उसके स्टारडम को खत्म मत कीजिए, क्योंकि एक सिंगर के लिए उसका गाना ही सब कुछ होता है। हालांकि इस बात को पवन सिंह ने ऑफिशियली किसी के लिए नहीं कहा है, लेकिन इस बात की पुष्टि उनके फैंस के जरिए की गई है। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सिरमौर गायक और यंगरी यंग मैन पवन सिंह वैसे तो रितेश पांडे के बहुत बड़े फैन है, उनके हर गाने को बहुत पसंद करते हैं और हर एक गाने की तारीफ करते नजर आते हैं। वे कहते हैं कि इनकी आवाज में जादू है और हर कोई इनके गाने का दीवाना हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे खेसारी लाल यादव के गाने को पसंद नहीं करते हैं। पवन सिंह खेसारी लाल यादव के भी उतने ही फैन हैं, उनके गाने को भी वे बेहद पसंद करते हैं और उनकी भी तारीफ करते नजर आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और हमें अपने कमेंट के जरिए ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि गाना चोरी किसने किया है। तो कमेंट करना ना भूले, और जल्द से वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी एक खबर जल्द से जल्द पहुंच जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब ही कर ले, और बेल का आइकन दबाकर सबसे पहले नोटिफिकेशन पाइए।